दोस्तों आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए एंगर रिलेटेड इंग्लिश सेंटेंसेस। गाइस इस वीडियो में आप जानेंगे कुछ गुस्से में बोले जाने वाले इंग्लिश सेंटेंसेस। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस हमारा पहला सेंटेंस है, ये बहुत अन्याय है। दिस इज सो अनफेयर, दिस इज सो अनफेयर। मुझ पर मत चिल्लाओ, इंग्लिश में मुझसे बोलेंगे डोंट शाउट एट मी, डोंट शाउट एट मी। मुझ पर मत चिल्लाओ, तुम्हारी जितनी बुराई की जाए कम है। नो वर्ड्स आर एनफ टू क्रिटिसाइज यू, नो वर्ड्स आर एनफ टू क्रिटिसाइज यू। अपना व्यवहार बदल दो, इंग्लिश में मुझसे बोलेंगे चेंज योर बिहेवियर, चेंज योर बिहेवियर। अपना व्यवहार बदल दो, जबान संभाल के, इंग्लिश में मुझसे बोलेंगे माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मैंने उसे सिर पर चढ़ाया, आई पैम्पर्ड हर, आई पैम्पर्ड हर। मैंने उसे सिर पर चढ़ाया। मेरे साथ बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू विथ मी, डोंट आर्ग्यू विथ मी। मेरे साथ बहस मत करो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, यू हैव लॉस्ट योर माइंड, यू हैव लॉस्ट योर माइंड। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमने हद पार कर दी, यू हैव ओवर स्टेप नाव, यू हैव ओवर स्टेप नाव। तुमने हद पार कर दी। मुझे आपको सब कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। इस मामले से दूर रहो, इंग्लिश में हम बोलेंगे स्टे आउट ऑफ दिस मैटर, स्टे आउट ऑफ दिस मैटर। द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मुझे परेशान करना बंद करो, स्टॉप एनोइंग मी, स्टॉप एनोइंग मी। मुझे परेशान करना बंद करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री, डोंट मेक मी एंग्री। बस बहुत हुआ, दैट्स एनफ, दैट्स एनफ। बस बहुत हुआ। अपनी शक्ल मुझे दोबारा मत दिखाना, डोंट सो मी योर फेस अगेन, डोंट सो मी योर फेस अगेन। अपनी शक्ल मुझे दोबारा मत दिखाना, मैं उसे अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कांट बियर हिम नाउ, आई कांट बियर हिम नाउ। मैं उसे अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, इट्स आउट ऑफ माय एबिलिटी, इट्स आउट ऑफ माय एबिलिटी। उसे जो करना है करें, लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स, लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी। उससे पंगा मत लो, डोंट मैस विथ हर, डोंट मैस विथ हर। उससे पंगा मत लो। एक बात को दो बार बोलना बंद करो, स्टॉप सेइंग द सेम थिंग ट्वाइस, स्टॉप सेइंग द सेम थिंग ट्वाइस। मैंने उसे ज़्यादा छूट दी हैं, आई हैव ग्रांटेड हिम टू मच, आई हैव ग्रांटेड हिम टू मच। वह बाद में पछताएगा, ही विल रिग्रेट लेटर, ही विल रिग्रेट लेटर। द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तेरे जैसे लोग मैंने बहुत देखे हैं, आई हैव सीन मैनी पीपल लाइक यू, आई हैव सीन मैनी पीपल लाइक यू। आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा, नाउ ऑनवर्ड्स आई विल नेवर टॉक टू यू, नाउ ऑनवर्ड्स आई विल नेवर टॉक टू यू। हर चीज़ की हद होती हैं, There is limits for everything, there is limits for everything। हर चीज़ की हद होती हैं। मैं उसे टांग अड़ाने नहीं दूंगा, I won't let him interfere, I won't let him interfere। मैं सब कुछ संभाल लूँगा, I will handle everything, I will handle everything। तुम मेरा सिर मत खाओ, You don't nag me, you don't nag me। तुम मेरा सिर मत खाओ। उसे अपनी औकात में रहना चाहिए, ही शुड बी इन हिज लिमिट, ही शुड बी इन हिज लिमिट। द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तुम नहीं सुधरोगे, इंग्लिश में मुझसे बोलेंगे यू वॉन्ट चेंज, यू वॉन्ट चेंज। मैं तुझे बार बार मौका नहीं दूंगा, आई विल नॉट गिव यू चांस अगेन एंड अगेन, कीप इन माइंड,
I will not give you chance again and again. Keep in mind. Tafa ho jao. English mein mujhse bolenge get lost. Get lost. Dafa ho jao. Tumhari kadvi jaban hai. English mein mujhse bolenge you have a bitter tongue. You have a bitter tongue. Tumhari kadvi jaban hai. Apni najre niche rakho. Keep your eyes down. Keep your eyes down. Apni najre niche rakho. मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा. I will chalk you. I will chalk you. मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा. अपना गुस्सा थूक दो. Spit out of your anger. Spit out of your anger. अपना गुस्सा थूक दो. आप खुद को समझते क्या हो. What do you think of yourself? What do you think of yourself? आप खुद को समझते क्या हो. मुझे उसका घमंड पसंद नहीं है. I don't like his ego. I don't like his ego. मुझे उसका घमंड पसंद नहीं है. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की. How dare you say that? How dare you say that? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की. वो एक घमंडी इंसान है. He is an egoistic person. He is an egoistic person. वह नहीं सुधरा. He didn't get improved. He didn't get improved. वह नहीं सुधरा. मैं तुम्हें मार दूंगा. I will kill you. I will kill you. मैं तुम्हें मार दूंगा. The following sentences. मुझसे इस तरह की बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई. How dare you to talk to me like that? How dare you to talk to me like that? ज़्यादा हंसो मत. इंग्लिश में मुझसे बोलेंगे Don't laugh too much. Don't laugh too much. The following sentences. ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं. Such people are selfish. Such people are selfish. ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं. यह मेरा आखिरी फैसला है. It's my final decision. It's my final decision. यह मेरा आखिरी फैसला है. उसे यहाँ से बाहर निकालो. Get him out of here. Get him out of here. उसे यहाँ से बाहर निकालो. तुम किसी काम के नहीं हो. You are good for nothing. You are good for nothing. तुम किसी काम के नहीं हो. मैं इससे बहुत पक चुका हूँ. I am so sick of this. I am so sick of this. मैं इससे बहुत पक चुका हूँ. तुम मुझे क्यों नहीं समझते हो. Why don't you understand me? Why don't you understand me? तुम मुझे क्यों नहीं समझते हो. मैं तुम्हें बहुत झेल चुका हूँ. I have had enough to you. I have had enough to you. मैं तुम्हें बहुत झेल चुका हूँ. ये मुझ पर छोड़ दो. इंग्लिश में मुझसे बोलेंगे Leave it on me. Leave it on me. यह मुझ पर छोड़ दो. The following sentences. मैं सब कुछ ख़त्म करना चाहता हूँ. I want to finish everything. I want to finish everything. मैं सब कुछ ख़त्म करना चाहता हूँ. तभी मुझे चैन मिलेगा. Only then I will get peace. Only then I will get peace. यह मेरी गलती है. इंग्लिश में मुझसे बोलेंगे It's my fault. It's my fault. यह मेरी गलती है. तमीज से बात करो. Talk with manners. Talk with manners. तमीज से बात करो. तुम होश में नहीं हो. इंग्लिश में मुझसे बोलेंगे You are not in your senses. You are not in your senses. मुझे अंगुली मत दिखाओ. Don't show me finger. Don't show me finger. मुझे अंगुली मत दिखाओ. तुमने सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दिया. इंग्लिश में हम बोलेंगे You vented all your anger on me. You vented all your anger on me. The following sentences. मुझे तुम्हारी सब करतूतें पता है. I know all your misdeeds. I know all your misdeeds. मुझे तुम्हारी सब करतूतें पता है. लानत है तुम पर. इंग्लिश में मुझसे बोलेंगे Shame on you. Shame on you. लानत है तुम पर. मन तो किया उसे थप्पड़ लगा दूँ. ऐसे सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे I felt like slapping him. I felt like slapping him. मन तो किया उसे थप्पड़ लगा दूँ. मैंने खुद पर नियंत्रण किया. I controlled myself. I controlled myself. मैंने खुद पर नियंत्रण किया. तूने मेरे नाक में दम करके रखा है.
यू हैव बॉदर्ड मी, यू हैव बॉदर्ड मी, तूने मेरे नाक में दम करके रखा है, यहाँ सब तुम्हारी तरह नहीं है। इंग्लिश में हम बोलेंगे ऑल आर नॉट हियर लाइक यू, ऑल आर नॉट हियर लाइक यू, मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ। इंग्लिश में हम बोलेंगे आई एम नॉट द पर्सन लाइक दैट, आई एम नॉट द पर्सन लाइक दैट। अपनी ज़ुबान पर लगाम दो, अपनी ज़ुबान पर लगाम दो, होल्ड योर टंग, होल्ड योर टंग। द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, आई एम वार्निंग यू, आई एम वार्निंग यू, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। मुझे घूरना बंद करो, स्टॉप स्टेरिंग एट मी, स्टॉप स्टेरिंग एट मी, बहाने बनाना बंद करो। इंग्लिश में मुझसे बोलेंगे स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेज, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेज।